क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो? अड्डू की लड्डू। लड्डू कैसे है लड्डू? वाह, अच्छा हाथ से कैसे दिखाया आपने? दोबारा दिखाओ हाथ से कैसा है। कैसे है लड्डू? दिखाओ हाथ से करके दिखाओ। दिखाओ दिखाओ ना, कैसे दिखा रहे थे आप? कैसे दिखा रहे थे? नम 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 नम, ऐशी अच्छो ऐशी। ओके, आज इन्होंने किया है कन्या भोजन और इस कन्या भोजन से इतने खुश हैं ये लोग। बस अभी हैं, अच्छा 50 घर। ये देखो आज इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, आज ये 50 घर गए हैं और सब जगह कन्या खाई है इन्होंने। कन्या जमाई थी आज सभी ने। अच्छा आज सुबह सुबह उठ के ये महारानी हमारी नहा धोकर रेडी हो चुकी थी, क्योंकि हर साल इस दिन सभी बच्चे कन्या के लिए जाते हैं ना, तो सबको बुलाया जाता है और फिर इनको कुछ मिठाई, कुछ फ्रूट्स वगैरह जो जिनका जैसे होता है वैसे वो सब करते हैं, हाथ में कुछ पैसे देते हैं। यह तो खैर सभी जानते हैं कि कन्या भोजन होता ही है नवरात्रों की अष्टमी पर या नवमी पर कन्या का भोजन होता है। सो बस वही हुआ था आज। ये भी सुबह से घूम रहे थे और बहुत मस्ती करके बस अभी वापस आए हैं। 1 बज गया है इनको, अभी तक ये बाहर ही घूम रहे थे और खूब मज़े किए आज इन्होंने। बस अब घर आकर ये टीवी देखने में लग गए और इसको हमारे साहबजादे को लड्डू दिखाई दिया रखा हुआ, तो इन्होंने निकाल कर खा लिया। थकान लगी हुई है? थकी लगी? अच्छा अब आप सोओगे? नहीं करोगे? नहीं करोगे क्यों? अच्छा अब ये करेंगे आराम। मैंने भी आज कन्या जमाई थी, सो मैंने भी बनाया था पूड़ी हलवा वगैरह जो भी कुछ होता है ये सभी इनको गिफ्ट में दिया था और कुछ ये लेकर आए हैं। सो अभी तो ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि इतना सारा हो जाता है ना, बच्चे खा ही नहीं पाते हैं और सब ऐसे ही रखा रहता है। मैंने अंदर इसीलिए रखा है कि जैसे जैसे मन करता रहेगा वैसे खा लेंगे। अभी तक तो ये सब ढका हुआ रखा हुआ था, अभी ये मेरे बच्चे अंदर आए और इन्होंने देखा क्या क्या रखा हुआ है खाने के लिए, तो बस सब खोल खोल कर ऐसे ही देख लिया इन्होंने। जो जिसको पसंद आया वो खाता रहा। अच्छा है, इस बहाने बच्चे खुश हो जाते हैं, कुछ बच्चों के साथ में मिलकर इधर उधर आना जाना हो जाता है, नहीं तो इस कोविड के टाइम पर बच्चों का बाहर निकलना ही बंद हो गया है। तो बस यही बहाना है, आज इतने टाइम के बाद गेट टुगेदर हुए थे बच्चे, क्योंकि पहले वाले हम लोग जहाँ शिफ्ट हुए थे, मतलब जहाँ से शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर उतना नहीं था क्रेज़, यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये फ्लैट एरिया है, यहाँ पर आसपास क्या होता है ना कि बच्चे कम होते हैं, सो इसीलिए जो बच्चे जुट जाते हैं 7-8-9 जितनी भी हों उन्हीं को कई घरों में ले जाया जाता है और फिर उन्हीं को कन्या भोजन कराया जाता है। सो बच्चों को भी काफ़ी आनंद आता है इसमें कि एक घर से निकल कर फिर दूसरे घर में जाना है, दूसरे घर से निकल कर फिर दूसरे घर में जाना है, सो ऐसे बच्चे खुश हो जाते हैं। सो बस ऐसे इन्होंने आज इन्जॉय किया। और आपने क्या क्या किया गाइस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना और मैं भी आपको कुछ अपना शेयर करती हूँ इस वीडियो के, इस वाले के बाद मैं आपको शेयर करूँगी, दूसरी वाली वीडियो लगा दूँगी इसके साथ में, वो भी देखना कि मैंने क्या क्या किया था। सो गाइज़ कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे ही रहना। आज सुबह सुबह के टाइम का मैं बना रही हूँ आपके लिए वीडियो कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ गई थी आज मैं और मैंने कन्या भोजन की स्टार्टिंग कर दी है। यहाँ पर हलवे के लिए जो सूजी होती है उसको भूनना स्टार्ट कर दिया है बस, क्योंकि बहुत जल्दी उठकर काम स्टार्ट करना पड़ जाता है और सुबह ही यह सब निपटाना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। इसके बाद का रिव्यू मैं आपको नहीं दे पाऊँगी क्योंकि इस बीच मैंने कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी, इतना मैं बिज़ी हो गई थी। उस समय मैंने दिखाया था आपको, उस समय मैंने चने उबालने रख दिए थे और हलवा बनाने की तैयारी कर रही थी। उसके बाद का जितना भी किया मैंने काम उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में करना था और अभी यह जोत चली हुई है, इसकी धुनी दी थी पूरे घर में। और इसके बाद कन्याओं के आने का टाइम हो चुका है और उनके लिए थालियाँ लग चुकी हैं,
कलावा वगैरह मिठाई वगैरह सब उनके लिए रेडी हो चुका है। सो यहाँ पर हो चुका है कन्याओं के आगमन की तैयारी और उनको खिलाने के लिए उनको गिफ्ट देने की तैयारी। ये सभी गिफ्ट रखे हुए हैं और प्रसाद रखा हुआ है। सो ये सभी पहले से ही तैयार कर लिया था क्योंकि कन्याएं जब आती हैं ना तो बहुत जल्दीबाजी मचाती हैं। काफ़ी सारे घरों में यहाँ पर एक के बाद एक जाना पड़ रहा था सभी को। सो इसीलिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ज़्यादा देर कन्याएं विरुक्ति नहीं हैं, वो भी थक जाती हैं। मैं धीरे धीरे ये सभी थालियां सजा रही थी जैसे जैसे की ज़रूरत थी, वैसे ही मैं इनको सबको तैयार कर रही थी पहले से ही ताकि कोई आए तो और उनको ज़्यादा टाइम ना लगे फिर मुझे, क्योंकि ये सब करने में भी टाइम लग जाता है तो इसमें सभी लोग बोर भी हो जाते हैं, कन्याएं भी बोर हो जाती हैं और उनको भी जल्दबाजी लगी रहती है क्योंकि दूसरे घर भी जाना होता है ना, तो इसीलिए वो जल्दी करते हैं। और काफ़ी सारे घरों में यहाँ पर वेटिंग भी चल रही थी इसीलिए मैंने पहले से ही तैयारी कर ली। जब तक मैं वेटिंग में थी तब तक मैंने ये सब कर लिया और बस कन्याओं को ज़बरदस्ती पकड़ के लाना पड़ता है क्योंकि एक घर के दूसरे घरों के तीसरे घरों के सब के लोग बाहर खड़े हो जाते हैं कि अभी हमारे घर जाएंगे अभी हमारे घर जाएंगे। तो बहुत जल्दी मैंने कहा यार 2 मिनट के लिए भेज दो मेरे पास भी तो मैं भी कर लेती हूँ क्योंकि मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। बस कन्याओं को बैठा कर यहाँ पर उनका जो होता है स्टार्टिंग का जो भी करना होता है कलावा टीका वगैरह उनको पैसे देना प्रसाद देना यह सभी हम कर रहे हैं। और उसके बाद बस थालियाँ तो लग चुकी थी, थालियाँ लगने के बाद उनको बस देना था और हल्का सा चखाना था क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं उतना ज़्यादा कहाँ खा पाते हैं। सो गाइस कैसी लगी आपको यह वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।